दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किसी भी मोटर का इंडक्टेंस क्यों चेक किया जाता है और इंडक्टेंस चेक करने के पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं। उसके साथ ही मैं बताऊंगा कि किसी भी मोटर का इंडक्टेंस कैसे चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड, किसी भी मोटर के अंदर तीन पैरामीटर चेक करने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है मोटर की आयर वैल्यू, उसके बाद होता है रेजिस्टेंस वैल्यू और उसके बाद आता है इंडक्टेंस वैल्यू। तो इन तीनों की वैल्यू यदि हमारी रेंज के अंदर आती है तो हम मोटर को सही मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास EMC का मीटर है, इस मीटर के द्वारा हम इंडक्टेंस चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, उसके साथ ही आयर वैल्यू चेक कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से मोटर का इंडक्टेंस लेने के लिए हमें छह लीडों को अलग अलग कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर के अंदर डेल्टा बना हुआ है, तो हम इसके अंदर वाली पत्ती को निकाल देंगे और छह लीडों को सेपरेट कर देंगे। जैसा कि थ्री फेज मोटर के अंदर तीन वाइंडिंग होती है, तो यहाँ पर तीनों वाइंडिंग अब अलग अलग हो चुकी है। इन तीनों वाइंडिंग का हम इंडक्टेंस चेक करेंगे। अब सबसे पहले वाइंडिंग का पहला सिरा U1 और दूसरा सिरा U2 है, तो इस वाइंडिंग के अंदर हम इंडक्टेंस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास EMC का जो मीटर है उसके अंदर दोनों लीडों को हमें इंडक्टेंस पे लगाना होगा। तो हमने यहाँ पर इंडक्टेंस पे दोनों लीडों को लगा लिया है। अब इस मीटर के अंदर जो सेलेक्टर स्विच है उस सेलेक्टर स्विच को हम इंडक्टेंस पे सेट कर लेंगे और दूसरे वाले सेलेक्टर स्विच से हमें इसकी रेंज डिसाइड करनी होती है। अब इस मीटर के अंदर जो रेंज वाला स्विच है उसको हमने तीन नंबर पर सेट कर रखा है। अब इस मीटर के जो लीड है उसे हम पहली वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच में लगाएंगे। अब हम रेड वाला बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मीटर के अंदर अभी 31% इंडक्टेंस दिखा रहा है। अब हमें दोनों लीडों को सेकंड वाइंडिंग यानी V1 और V2 पे लगाना होगा और लगाने के बाद हमें रेड वाला बटन प्रेस करना होगा। आप देख सकते हैं हमने जैसे ही रेड वाला बटन प्रेस किया है तो अभी भी इसकी वैल्यू 40% के लगभग आ रही है। इसी प्रकार जो तीसरी वाली वाइंडिंग है W1 और W2, इस टर्मिनल पर भी हम दोनों लीडों को लगा देंगे और रेड वाला बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी भी इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो 40% के लगभग आ रही है। यानी तीनों फेज के अंदर जो इंडक्टेंस है वो 31% से लेकर 40% के बीच में आ रहा है। अभी हमने इसकी वैल्यू परसेंटेज के अंदर निकाली है और यदि हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए, मिली हेनरी के अंदर वैल्यू चाहिए, तो हमें इस मीटर के पीछे की तरफ एक चार्ट दिया हुआ है उसे देखना होगा। तो ये रहा वो चार्ट जिससे हम इसकी वैल्यू मिली हेनरी के अंदर निकाल सकते हैं। इस चार्ट के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है पोजीशन ऑफ रेंज स्विच। जैसा कि इस रेंज स्विच को हमने 3 पर सेट कर रखा था, उसके बाद हमें इंडक्टेंस देखना है, तो इंडक्टेंस वाला चार्ट लास्ट में है। यदि हम सेलेक्टर स्विच को 3 पर रखते हैं तो इसके अंदर जो इंडक्टेंस है उसकी फुल रेंज 30 हो जाएगी, यानी यहाँ तक जो स्केल है उसकी रेंज 30 हो जाती है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू आई थी हमने उसे यहाँ पर लिख दिया है। जैसा कि सबसे पहली वाली वाइंडिंग की वैल्यू 31% आई थी, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें 31 को 100 से डिवाइड करना होगा और इसकी जो रेंज है उससे गुणा करना होगा। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाइंडिंग का जो परसेंटेज है वो 31 है, 31/100 × 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 9.3 मिली हेनरी आती है। इसी प्रकार हम अन्य दोनों वाइंडिंग की भी मिली हेनरी के अंदर वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा कि दोनों वाइंडिंग में 40% वैल्यू दिखा रहा था, तो हम 40 को 100 से डिवाइड करेंगे और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 12 आती है, यानी 12 मिली हेनरी इन दोनों वाइंडिंग की वैल्यू आ जाती है। इसको भी हम पेपर पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों वाइंडिंग के अंदर जो इंडक्टेंस का अंतर है वो बहुत ही कम है। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी जो वाइंडिंग है वो सही है, इस मोटर को हम चला सकते हैं, मोटर के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। इसके अलावा यदि मोटर फिर भी नहीं चल रही है तो आप मोटर का रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए, उसके साथ साथ IR वैल्यू भी चेक कर लीजिए। यदि आप इसके लिए भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।